राधे राधे कुंज बिहारी सियादास बांके बिहारी जय होतारी राधे वल्लभ दर्शन ये सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सबके सब बढ़िया हो। और जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि मंथ के एंड में हम जाएंगे एक एडवेंचर ट्रिप पे, मस्त वाली ट्रिप पे, सो वो घड़ी आ गई है। आज हम जाने वाले हैं, आपने टाइटल देख के थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम जाने वाले हैं मथुरा। तो जो हमारी ये सीरीज़ है उसका नाम होने वाला है राइड टू मथुरा। तो अभी हमारा ऐसा कुछ पैकिंग वैकिंग का सीन चल रहा है, ये बैग में सारी चीज़ें भर ली हैं, मोस्टली उसमें मेरे जो वीडियो व्लॉगिंग सेटअप से रिलेटेड ही सामान भरा हुआ है। आए हुए थे, हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया था, यूट्यूब पे आएगा ना? हाँ यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। तो ये भैया ने हमारी गाड़ी ठीक कर दी, हॉर्न जो था रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, और अभी हम जल्दी से निकलते हैं अपनी जो ट्रिप है हमारी राइड टू मथुरा वाली उसके लिए। चलो मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं है, बोतल ले ली मैंने, ठीक है। चलो बाबा के पैर छू लूँ, ना ला लो यहीं से ले लो ऐसे। चलो ठीक है, हाँ चलो टाटा बाय बाय। चलो बाय टाटा, चलो बाय। तो चलो चलते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री राम। चलो 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 ठीक है, हम लोगों ने पेट्रोल वेट्रोल डलवा लिया यहाँ पर, 1100 का पेट्रोल डलवाया ग्वालियर में, और करते हैं अभी अपनी ट्रिप स्टार्ट, ठीक है भैया, थैंक यू। सो अभी मैं हूँ गोले का मंदिर पे, और यहाँ से हम अपनी राइड स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ से मथुरा 172 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड अभी बजे हैं 2:49, तो दोपहर का टाइम है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा शाम वाम भी हो जाएगी तो मौसम भी थोड़ा सही हो जाएगा, और देखते हैं मथुरा कब तक पहुँचते हैं। बाकी अभी जो मेरी गाड़ी है उसकी रीडिंग भी दिखा देता हूँ कितनी हो रखी है। सो अभी बाइक में हो रखा है 15153। तो अभी मैं आया हुआ था अपने ससुराल में, और ये रही पूजा, ये मम्मी जी हमारी, ठीक है, मम्मी जी से आशीर्वाद वगैरह ले लिया है, ठीक है, मम्मी जी आशीर्वाद दे रहा हमें ताकि हमारी जो राइड है वो सही जाए, और ये हर्ष है। सो अभी हमने सब लोगों को कर दिया टाटा बाय बाय, घर वालों को, ससुराल वालों को, सबको टाटा बाय बाय कर दिया है, और फाइनली अब हम निकल रहे हैं मुरैना से। अभी हम आ चुके हैं मुरैना को क्रॉस करके आगे, और जो अभी डिस्टेंस बता रहा है वो यहाँ से बता रहा है 130 किलोमीटर अभी और हमें जाना है आगे, और अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 4:25, सो 4:25 हो रखा है अभी टाइम। एंड अभी हमने सबको बाय बाय बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, और एक चीज़ मैं कन्फेस करना चाहता हूँ वो ये कि घर पर मैंने सबको बताया कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे दोस्त वगैरह जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं सबको मैंने बोला कि हाँ कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, बट अब मुझको जाना था और घर वाले अकेले जाने नहीं देते तो बोलना पड़ा। बाकी मम्मी पापा और मेरे सारे घर वालों को मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं झूठ बोल के आया कि मैं अकेले जा रहा हूँ, बट मुझे जाना था और आप अकेले भेजते नहीं तो सॉरी उसके लिए, और अभी मैं सेफली जाऊँगा, देखो ठीक है, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊँगा। अरे गाना सुना होगा आप लोगों ने कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, और बहुत सही गाना है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो तुम लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा तो बुरा लगवाओ, क्योंकि मैंने हर एक दोस्त को पहले से कह के रखा था कि भाई साहब हम लोग मथुरा जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे, और सब लोगों ने पता है हाँ कर दिया कि हाँ हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, और लास्ट मोमेंट पे सारे के सारे मुकर गए, बट भाई अपने को जाना था तो जा रहे हैं। तो श्री श्री 108 श्री बाबा देवपुरी जी की जय। तो अगर कभी आप आ रहे हो उस रूट पे तो इस वाले मंदिर पे जरूर होके जाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ भी सच्चे दिल से मांगते हो तो वो आपको मिलता है। सो फाइनली हम लोग धौलपुर में पहुँच चुके हैं, ये है धौलपुर जो कि पड़ता है राजस्थान में, और हम लोगों ने MP का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया है, और हम लोग आ गए हैं राजस्थान में, राजस्थान सधारू मारे देश, निकल लेते हैं आगे। अभी रेड सिग्नल ओके हो गया, एंड अभी तक की राइड में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि कहीं पर भी मुझको जो रोड है ना वो रोड मेरे को ख़राब नहीं मिली, आगरा 41 मथुरा 95। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मनिया, यहाँ से हम निकलेंगे, ये फ़ायदे हैं भाई साहब बाइक के।
कि आपको टोल नहीं देना पड़ता। तो ये हमने ले लिया यहाँ से मथुरा के लिए बाईपास, और अगर आगरा जाना है तो आपको सीधे जाना होगा, बट हम जा रहे हैं बाईपास क्योंकि हमें जाना है मथुरा। I know I've been not always honest to you. So many things I've done, so many lies I've told. I want to change, I want to change with you. Let me change, let me change with you. If you want to stay, I will breathe you in. Come along my way, make me feel like a king. If you want to stay, I will breathe you in. Come along my way, make me feel like a king. तो अभी हमने डिसाइड किया था कि हम आगरा निकल के कहीं छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो आगरा हम लोग निकल के काफ़ी आगे आ चुके हैं और पीछे मेरी गाड़ी रखी हुई है यहाँ पर। सो अभी मैं यहाँ पर रुका क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो आप देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो यहाँ के कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर निकालते हैं, तो इसके लिए रुका हुआ था। एंड अभी मथुरा यहाँ से 52 किलोमीटर है, तो 52 किलोमीटर और आगे जाना है हमें अभी। तो अकॉर्डिंग टू गूगल माता हमको सीधे नहीं जाना है, हमको जाना है यहाँ से। तो जो गूगल माता कहेंगी हम तो वही करेंगे, तो वो चलते हैं यहाँ से। क्यों भैया, ये मथुरा के लिए कहाँ से जाना है? मथुरा तो गलत आ गए यार। गलत आ गए? ये गूगल में बता रहा था यहाँ से कहीं से रास्ता है। वो पुल पड़ा था ना, हाँ हाँ, वो सीधा वहीं गया है मथुरा के लिए। सो अभी इसी रोड पे हमें चलना है अप्रॉक्स 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर बाद अभी हमारा जो मथुरा है, मथुरा वृंदावन जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, वो आ जाएगा। सो वेलकम टू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में पधार चुके हैं और मथुरा आ चुके हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जंग फतेह कर ली, और अभी टाइम कितना हो रहा है वेट, अभी आपको दिखा देते हैं कि हम किस टाइम तक पहुंच गए हैं मथुरा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:21, तो 7:21 हो रहे हैं और हम लोगों ने 7:21 यानी कि 7:20 और 7:21 मतलब 7 बजे के लगभग लगभग हम लोगों ने मथुरा में एंटर कर लिया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं मथुरा, और अभी हम हैं मथुरा के अंदर, और यहाँ पर अभी हमें जहाँ हमें जाना है प्रेम मंदिर, वो यहाँ से अभी 6 to 7 किलोमीटर और आगे है। तो 6 to 7 किलोमीटर अभी हमें और आगे गाड़ी चला के जाना होगा। ये जो ट्रिप है ना वो टोटली अनप्लान्ड है, मतलब मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। मैंने इवन ये तक प्लान नहीं किया था कि मैं आज इस टाइम पे मतलब पहुँच जाऊँगा या फिर मैं आज निकलूँगा। मेरा प्लान मतलब कुछ फिक्स नहीं था। हमारा प्लान ऐसा था कि हम 26 को भी निकल सकते थे और 27 की मॉर्निंग को भी निकल सकते थे, मतलब 27 की सुबह। सो फाइनली हम अब आ पहुँचे हैं जो प्रेम मंदिर वाली गली है वहाँ पर, और यहाँ पर एक दुर्गे माता का भी मंदिर है। ये देखो ये मंदिर आप देख रहे हो कितनी बड़ी मूर्ति है। कल आएंगे तब आपको दिखाता हूँ ढंग से, और अभी यहाँ पूरी तरीके से जाम में फंस चुके हैं भाई साहब, एकदम पूरा जाम ही जाम हो रखा है यहाँ पर अभी।
तो पता नहीं कैसे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या है आगे का प्रोसीजर, वो तो पता ही पड़ेगा जब, वो तो पता पड़ेगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या प्रोसीजर है, गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं क्या, कैसे करें? पता नहीं क्या ही था, रोड ब्लॉक करके वो अपनी पर्सनल पार्किंग चला रहे हैं, क्या चल रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में, और ऐसा कुछ रूम है हमारा जो कि हमने लिया है, और ये हमें पड़ा है 600 रुपए का, और इस गेस्ट हाउस का नाम है कालिंदी गेस्ट हाउस, जो कि है इस्कॉन टेम्पल के जस्ट सामने वाली गली में। थोड़ा सा अंदर आओगे तो एक गली में आपको, बाकी गूगल वगैरह कर लेना ठीक है, तो वहाँ पर ये गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा 600 रुपए में, मेरे को ये पड़ा है ठीक है। एंड वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ, अभी कुछ नई बनना है, नई प्रॉपर्टी है ये, तो वॉशरूम कुछ ऐसा है, एक सब कुछ क्लीन है, तो ठीक लगा मेरे को 600 रुपए में, बाकी क्या ही आता है यार। तो 600 रुपए में ये रूम मिला है हमको, ये है हमारा रूम, रूम नंबर 303, और ऊपर वाले अभी जो फ्लोर पे बाकी सारे रूम अभी खाली डले हुए हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर पर सिर्फ मैं ही हूँ। एंड अभी हम चल रहे हैं नीचे, बाहर का मार्केट देख के आते हैं, कुछ हो एक्चुअली कुछ चाय पीनी है तो बाहर चलते हैं, पहले चाय वाय पी के आते हैं। ये भाई है ना हमारा ग्वालियर से, तो ग्वालियर के लोग हमें यहाँ पर भी मिल गए मथुरा वृंदावन में, ये प्यार है मोहब्बत है मथुरा की, ग्वालियर से ग्वालियर की मथुरा। और ये भैया और हमारे मनीष भैया हैं, मनीष भैया ने हमें बहुत सही रूम दिखाया और डील भी सब बढ़िया तरीके से हो गई। बाकी आप आना, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसा क्या, मतलब होटल तो बहुत बढ़िया है, और कालिंदी गेस्ट हाउस है ना, कालिंदी गेस्ट हाउस मंदिर के पास, प्रेम इस्कॉन टेम्पल के सामने वाली गली, सिंपल। राधे राधे कुंज बिहारी सी अटास नाके बिहारी ज्यों त्यारी राधे मथुरा वाला फील ला दिया। अभी तक मैं सोच रहा था मथुरा वाला फील क्यों नहीं आया, ये मथुरा वाला फील। नाम तो बता दीजिए आपका। मेरा नाम प्रशांत, प्रशांत ठाकुर भैया का नाम है। याद रखना, वैसे भी याद रखना, और रूम चाहिए तो वैसे भी याद रखना। रूम चाहिए तो पक्का याद रखना ठीक है, तो ये लाड़ है। मथुरा आ रहे हो और रूम चाहिए तो पक्का याद रखना, ओरिजिनल फोटो कॉपी सबको रूम मिलेगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, और देख के आते हैं कुछ क्या हलचल है मथुरा में, और कैसी क्या रौनक है होली की, होली के पहले, और कुछ इस टाइप की गलियां हैं, ऊपर बंदर हैं, ये भी अलग एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेंपल के सामने वाली गली में, और ये कुछ इस टाइप के नज़ारे हैं, इस टाइप की महफिल लगी हुई है। बाकी अभी मंदिर वगैरह तो सारे बंद हो रखे हैं, क्योंकि टाइम जो रखा है वो 9:15 हो गया है, तो 9:15 तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, 9:15 क्या 8 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो हम थोड़ा लेट हो गए आने में। चाय की चुस्की फ्रॉम मथुरा, ये मंदिर वगैरह कब तक खुले रहते हैं? 8:30 बजे तक। और अभी होली वगैरह सबसे, मतलब जैसे होली वगैरह खेलनी हो कल सुबह, कहाँ पर किस मंदिर में? पूरे वृंदावन में कहीं पर भी, कल मंदिरों में या फिर रोड पर भी? रोड पे भी। हाँ रोड में। अरे कहीं ऐसा कुछ इवेंट वगैरह कहीं हो रहा हो ना? इवेंट वगैरह कहीं हो रहा होगा? कुंभ में हो रहा है इस समय। कहाँ पर है? यहाँ पे चौराहा से लेफ्ट हो जाना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो वो कल देखेंगे, पता करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, तो कल वहाँ चलेंगे। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना,